हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जूही अग्रवाल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी और जल्दी झटपट ये बन जाती है। ये देखिए, मैंने भिंडी ली हुई है। इसको मैंने इस साइज़ में, इतनी बड़ी बड़ी साइज़ में मैंने भिंडी को अच्छी तरह से काट ली है। आप भी इसको इस साइज़ में काट लीजिएगा, इससे छोटी काटेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, इस साइज़ में अच्छी लगेगी। देखिए, मैंने कढ़ाई रखा है और ये तेल गरम मेरा हो चुका है। अब इसमें हम भिंडी फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने भिंडी को डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको फ्राई करने के लिए करेंगे। इसको थोड़ा सा हम चला देंगे। अब इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे भिंडी हमारी जल जाएगी, इसलिए हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब इसको हम चलाएंगे ताकि ये पक जाए और गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए, अब हमारी भिंडी हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। अब उसमें मैं ज़ीरा डालूंगी 1/2 चम्मच और चुटकी भर हींग डालूंगी। अब ये सारी चीज़ें हो जाए। यहाँ पे मैं 2 प्याज कटी हुई डाल रही हूँ। अब इसको मैं चला दूंगी। अब इसमें हम अदरक डालेंगे कटा हुआ। अगर आपको लहसुन भी पसंद है तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, भुन जाए। हम प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छे से। और मैंने अब हरी मिर्च ली हुई है। मैंने मिर्चे को 20 से 2 पार्ट में इसको काट लिया है, 20 से चीरा कर दिया अच्छे से। अब इसको हम प्याज में डाल देंगे। बहुत से लोग लाल मिर्च का भी प्रयोग करते हैं, हम लोग लाल मिर्च का प्रयोग ना करके हम लोग हरे मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं। ये मैंने सारे मसाले लिए हैं। 1/2 छोटा चम्मच मैंने हल्दी लिया है, 1/2 छोटा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। अब ये सारे मसाले हम प्याज में डाल देंगे। और इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे कि हमारा मसाला जो अच्छी तरह से भून जाए और जले नहीं। अब ये देखिए, मेरा मसाला अब अच्छी तरह से हो चला है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। हमने 2 टमाटर का इसको पीस लिया था अच्छी तरह से। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए, अब हमारा मसाला भून रहा है। जब तक तेल ना छोड़ दे, हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये मसाला अब हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से चला देंगे। अब इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। ग्रेवी अब मेरी अच्छे से पक चुकी है। अब इसके बाद जो हमने फ्राई करके भिंडी रखी थी, अब उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसको अब हम हल्के हाथ से चला देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, हमारी मसाला भिंडी बनके तैयार हो चली है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए, अब हमारी मसाला भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी है। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।